संजय शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई हलचल दिखाई पड़ रही है क्या? उनको इस बात की परेशानी हो रही है या वो रिलीफ की बात, उनके मन में राहत की बात होगी, चलो बहुत अच्छा हुआ मेरे सिर से बाला टल गया, अब सुप्रीम कोर्ट ही देखे किसको सजा देना है किसको नहीं सजा देना है, क्या मामला होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा? नहीं आशुतोष जी, खलबली बची है और एक बड़े लेवल की ऑफिसर्स की मीटिंग में ये बात भी चर्चा का विषय है कि हो सकता है मंत्री पुत्र की रात में सरेंडर गिरफ्तारी कुछ कराई जाए सुप्रीम कोर्ट में अपना फेस सेव करने के लिए, सामने कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जाए, प्रतिकूल टिप्पणी ना हो जाए जो गंभीर नुकसान पहुंचा दे पार्टी का, सरकार का, इसका मंथन शुरू हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक और बात चल रही है जो अभी तक सामने नहीं आई। भाजपा के एक नेता ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा नाम कोट मत करिएगा लेकिन एक और मकसद पूरे हो रहे हैं, एक पूरे आंदोलन से योगी जी का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, मोदी जी का नुकसान हो रहा है। मैं भी चौंका उनकी बात से, मैंने कहा आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, सब जानते हैं कांग्रेस मेन फाइट में नहीं है। आज की तारीख में जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है वो कांग्रेस और बसपा पार्टी बाहर है लड़ाई में, मेन लड़ाई सपा और भाजपा में, और देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला केवल दो लोगों से हुआ है तो बीजेपी को नुकसान हुआ। तो बड़े दिनों से कोशिश की जा रही है कि बसपा और कांग्रेस भी मेन स्कीम में आए। एक आपको याद होगा स्वतंत्र देव सिंह ने टीवी चैनल में कहा भी था कि मायावती बहुत मजबूत है, आप लोग गलत आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह रोका गया, जिस तरह उनको फुटेज दी गई, उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत से ज्यादा कोशिश की गई कि कांग्रेस लगातार टीवी चैनल पे चले, लगातार उनकी बातें हों। तो ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी थी, खासतौर से योगी सरकार की स्ट्रेटेजी थी कि कांग्रेस किसी तरह से उभरे, वो जितना उभरेगी वो बीजेपी को फायदा होगा। मोदी जी का नुकसान ये है कि वो जो आंदोलन पूरे किसान आंदोलन को लेकर जो पूरे देश में उनकी छवि खराब हुई है, अगर ये मुद्दा भड़केगा, अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ के और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ आके 50 लाख रुपए दे रहे हैं, दो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पंजाब के लोग आ रहे हैं, तो ये मुद्दा फिर देशव्यापी होगा, ये कहा जाएगा कि मोदी के राज में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो इस आंदोलन से जो योगी बनाम मोदी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही थी, ये सिर्फ योगी सरकार का मामला है या भारतीय जनता पार्टी का मामला है? दबाव किस लिए आ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं क्योंकि वो मंत्री महोदय ब्राह्मण समुदाय से आते हो जिसके बारे में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से वो लोग नाराज हैं, उनको अपीस करने के लिए किया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और पृष्ठभूमि है? देखिए आशुतोष जी, अश्वनी जी भले नाराज हो जाए या भले कुछ कितना भी कह दे, लेकिन बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच में ये बातें हैं कि दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ये अचानक नहीं हुआ कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मेन फोटो से यो मोदी जी और नड्डा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये पहली पूरे देश में पहली बार जो मंत्री महोदय हैं वो अमित शाह कोटे से आते हैं, सब जानते हैं, किसी को भनक नहीं। मैं आपको कल एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं एसपी गोयल, एक जनरल ऑर्डर निकालते हैं उसमें सबके नाम लिखते हैं कौन कहाँ प्रभारी बनेगा, उसमें केवल ये टेनी मिश्रा जी जो मंत्री हैं इनके आगे सिर्फ सांसद देखा जाता है। तो टेनी मिश्रा जी को योगी पसंद नहीं करते सब जानते हैं, क्योंकि टेनी मिश्रा अमित शाह कोटे से आते हैं। बंगाल के चुनाव में, बाकी सारे चुनाव में अमित शाह के होर्डिंग पे वोटिंग फोटो होते हैं, उत्तर प्रदेश के सारे विज्ञापनों पे, सारे होर्डिंग पे अमित शाह गायब होते हैं। तो यहाँ लड़ाई इस बात की भी, और ये कहा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री का चयन अमित शाह ने कहा है, उत्तर प्रदेश का योगदान नहीं है। तो ये जो अमित शाह और योगी जी के कोल्ड वार की चर्चा समान कार्यकर्ताओं में बीच में चल रही है, एक बड़ा मुद्दा ये भी है। ब्राह्मण समाज के चेहरे की बात रही तो जब टेनी बने थे तो इस प्रदेश के 50% लोगों ने तब जाना होगा कि इस नाम का कोई व्यक्ति ब्राह्मण नेता भी, ब्राह्मण नेता बड़े हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, ब्रजेश पाठक, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो हाशिए पे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा जुझारू आदमी जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, जिसने स्कूटर पर बैठ बैठ के गनर के संग में बीजेपी खड़ी करी, 4.5 साल से नेपथ्य में है, उसका पूछा नहीं गया, इतनी उपेक्षा है। तो ब्राह्मण चेहरे तो बहुत बहुत बड़े हैं, टेनी कोई इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं था जिसको लेके बात नहीं की जाती। ये सभी जानते थे ये मुद्दा तूल पकड़ेगा, आंदोलन किया जाएगा, लेकिन टेनी पे कार्रवाई करें तो अमित शाह करें। आज अमित शाह जी ने जो 30 मिनट वार्ता की गई उसको भी प्रचारित किया गया कि अमित शाह जी की मीटिंग कोई फैसला अमित शाह करेंगे। तो बीजेपी के सारे बड़े नेता मना करते हैं, उन्हें मना करना भी चाहिए, लेकिन जंग दिल्ली दरबार बनाम उत्तर प्रदेश दरबार की जारी है। बार बार हर जगह सवाल उठता है, आप कहते हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हर चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाता है, आसाम का भी लड़ा, बस एक मिनट दूंगा सोची, आसाम का भी लड़ा जाता है। हर बार एक सवाल आता है कि कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता ये नहीं कहता कि हम प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे,
और हमारे अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, इस लाइन को सुनने के लिए पूरी बीजेपी तरफ से ये लाइन नहीं बोली जाती। ये जो जंग छिड़ रही है राजनीति में भी छिड़ रही है और इसका अंजाम राजनीतिक रूप से भी हो रहा है। संजय जी बहुत छोटा सा सवाल है, अगर ये लड़ाई अमित शाह बनाम योगी की लड़ाई है, अगर अजय अमित शाह अगर टेनी अगर जो है वो योगी की अरे अमित शाह के खाते से आए हुए, तब तो योगी सरकार को तो फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए साबित करने के लिए कि देखिए आपने जिस आदमी को बनाया उसने क्या काम कर दिया, अगर नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी चुनाव हार जाएगी। आशुतोष जी इसमें जितनी टेनी की बदनामी होगी उतना ही नाम अमित शाह के साथ जुड़ रहा है। जितने भी टीवी चैनल पर मैंने डिबेट देखी है उसमें बहस आई है कि अमित शाह ने जोड़ा है अपनी टीम के गृह राज्य मंत्री को बनाया तो एक अपराधी को बनाया है। ये बात पिछले चार दिनों से मैं हर टीवी चैनल पर सुन रहा हूँ, बदनामी हो रही है तो टेनी के साथ अमित शाह की हो रही है। ये आंदोलन जितना खिंच रहा है उतनी बदनामी अमित शाह और दिल्ली दरबार की हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को फायदा हो रहा है, ये आंदोलन खिंच रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, बंटवारा हो रहा है, लेकिन दिल्ली दरबार को नुकसान हो रहा है, बदनामी मोदी बनाम शाह की हो रही है। तो ये राजनीति इस मामले में भी उलझी हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।